सो भाई, आप कैसे अपने सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट करते हो अपनी ब्लॉगिंग वीडियोस के लिए, कैसे बीट के साथ सीन्स को मैच करते हो, कैसे आपका म्यूजिक एकदम स्मूथली तरीके से मैच हो जाता है आपकी वीडियोस के अंदर, और कैसे आप एक फिल्म स्टाइल टीजर तैयार कर लेते हो, भाई हमें भी कुछ बताओ, हमें भी गाइड करो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए जब से मैंने ये रिसेंटली अपना ब्लॉग डाला है, जहाँ पे मैं पिंजौर गार्डन के अंदर गया, वहाँ पे मैंने सिनेमैटिक टीजर बनाया बिल्कुल फिल्म स्टाइल में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो कैसे आपने अपने ब्लॉगिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्रिएट करना है जस्ट अपने सिनेमैटिक शॉट्स को ऐड करके। भाई सिनेमैटिक शॉट्स तो मैंने आपको बता दिए कैसे आपने लेने हैं, पर उनको आपने एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पर बहुत सारे बंदे इस चैनल को देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई भी मैं आपसे पैसा नहीं लेने वाला, तो टेंशन फ्री रहो। जिसकी वजह से कि आपके पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ, तो आप उस वीडियो को मिस ना करो और आप जल्दी जल्दी सीख पाओ और अपनी ब्लॉगिंग वीडियोस के अंदर ग्रो कर पाओ। सो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टार्ट। सो चलिए लगाते हैं फिर सिनेमैटिक तड़का कि सिनेमैटिक शॉट्स को कैसे एडिट किया जाए अपने फोन के अंदर VN ऐप को यूज करके। और VN ऐप एंड्रॉयड वालों के लिए भी और एप्पल वालों के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे पहले हम जाएंगे VN ऐप के अंदर और यहाँ पे जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। पर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जब भी आपने वीडियो को स्टार्ट करना है, आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कि जिसकी वजह से कहते नहीं फर्स्ट पार्ट और एंडिंग पार्ट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तभी इंप्रेशन मतलब कि अच्छा पड़ता है आपके व्यूअर्स के ऊपर। ऐसे नहीं कि आपका स्टार्टिंग सीन ही बड़ा अजीब सा है, ख़राब सा, ऐसा ऐसा हो रहा है या अजीब सा सीन है, तो वो इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा आपकी ऑडियंस के ऊपर। तो आपका स्टार्टिंग वाला सीन भाई बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, जैसे कि परौंठे के ऊपर मक्खन होता है ना, मक्खन की तरह तैरता हुआ, ऐसा सीन आपका चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आके अब आपने अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ वहाँ मिल जाएगा, उस व्लॉग को जाके देख लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं फटाफट अपना सीन लेके आता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नोटिस करना है कि आपकी लोकेशन की हाईलाइट क्या है, मतलब कि कौन सी चीज़ हाईलाइट कर रही है आपके व्लॉग के अंदर, आपके सिनेमैटिक शॉट के अंदर। अब जैसे कि सबसे पहले ये जो आगे जो आपको गार्डन के आगे बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग किला मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, मॉन्यूमेंट भी कह सकते हैं हम, तो कितने अच्छे तरीके से रिवील हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका सीन ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग वाला कि जोन से आपकी ऑडियंस के ऊपर अच्छा इंपैक्ट, अच्छा इंप्रेशन डाल सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा नीचे और वॉल्यूम को ज़ीरो कर देना आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका म्यूज़िक और आपकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो मिक्स होगी और कुछ अलग सा ही डीजे बन गया, वो आपने नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने नीचे आना है, वॉल्यूम को करना है बिल्कुल आपने ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ज़ीरो हो चुका है, अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अपना अच्छा वाला पार्ट, जोन सा हमारा अच्छा वाला पार्ट है सिनेमैटिक शॉट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको प्ले करेंगे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा मतलब कि स्टार्टिंग हो सिनेमैटिक शॉट की, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कट लगाऊंगा, तो कट लगाने के लिए आपने नीचे आना है स्प्लिट के ऊपर, जोन से आपको सीजर दिख रही है बाल काटने वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये वाला हिस्सा आपने उड़ा देना, मतलब कि डिलीट कर देना पहला वाला, और थोड़ा सा आपने आगे आना है और चेक करना है कि आपको अपना मूव कितना रखना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इतना रखूँ, ठीक है, और इतना ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा एक कट, फिर से नीचे जाऊँगा स्प्लिट के ऊपर और यहाँ से कर दूँगा डिलीट, ओके। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ये शूट हुई है 60 FPS पे। अगर आपको मेरे जैसा या मेरे से भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको 60 FPS पे वीडियो को शूट करना पड़ेगा, अगर आप बाद में उसको स्लो डाउन करना चाहते हो। अगर आप एक सिनेमैटिक चाहते हो, जैसा कि उसमें स्लो मोशन ही चाहते हो, आप सिनेमैटिक चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 24 FPS, या फिर 25 भी कर सकते हो, या फिर 30 FPS भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको एक ड्रामा चाहिए, मसाला चाहिए वीडियो के अंदर कि यहाँ भी मज़ा आ जाए देखे, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा 60 FPS। और आज की डेट में 60 FPS हर एक फ़ोन के अंदर आ रहा है, तो उसको आप यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा कि इसको सबसे पहले तो देखूँगा कि मुझे कहाँ पे स्लो डाउन करना है, कहाँ पे फास्ट करना है, पर उससे पहले हम म्यूज़िक को इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैप टू ऐड म्यूज़िक, और यहाँ से जाएंगे म्यूज़िक के अंदर, और सिंपली मैं जाऊँगा माई के अंदर, क्योंकि माई मतलब मेरा फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। अब भाई बहुत सारे बंदों ने मुझसे पूछा कि आपने इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर कौन सा म्यूज़िक लिया था, तो भाई अब ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बाद में क्योंकि आप वीडियो को प्रॉपर नहीं देखते। तो यहाँ पे जो सा मैंने म्यूज़िक यूज़ किया वो इनक्रेडिबल इंडिया है, और जो आर्टिस्ट है बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है एपिडेमिक साउंड से, और उसकी मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है,
बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही अच्छे वे में आपको अच्छा म्यूज़िक मिल जाता है सब्सक्रिप्शन लेके। तो आपको एक अच्छा म्यूज़िक लेना चाहिए, मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेके लाइसेंस लेके आपको म्यूज़िक यूज़ करना चाहिए अपने ब्लॉगिंग वीडियोज़ के अंदर। तो इस म्यूज़िक का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। सो सबसे पहले आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है फेड इन हल्का सा, कि जिसकी वजह से आपका म्यूज़िक अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से स्टार्ट हो, ठीक है। और फेड आउट भी आपने कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग आपने इसकी वैल्यू को सेट कर लेना। अब मैंने यहाँ से एक पार्ट सेट कर लिया म्यूज़िक का फेड इन फेड आउट करके, और सिंपली मैं यहाँ से लगाऊंगा टिक राइट, और मेरा ऑडियो इंपोर्ट हो जाएगा VN की टाइमलाइन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको चलाता हूँ मैं। सो यहाँ पे मेरी बीट चेंज हो रही है और सीन्स थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं दोबारा से एडिट कर रहा हूँ और आपको सैंपल समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो अगर मैं बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सिर्फ टेक्निक मुझे समझानी है, आप समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कट लगा दूंगा और एक बार इसको प्ले करता हूँ वीडियो को। अब यहाँ पे एक बीट आई है, बीट के साथ ही आपने चलना है। अगर आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो ना दिल से, तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे बीट के साथ हमने कैसे खेलना है, ठीक है। आपकी वीडियो बीट के साथ रहनी चाहिए, बीट से अलग जैसी आपकी वीडियो गई तो आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे स्लो मोशन, क्योंकि ये जो क्लिप है 60 FPS मैंने शूट किया हुआ है, और स्लो मोशन को करने का भी एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि वीडियोस के अंदर जर्क आता है, वो स्मूथ नहीं लगती हैं, स्मूथ तरीके से नज़र नहीं आती वीडियोस, उसके पीछे एक मिस्टेक होती है, मैं आपको बताता हूँ कि वो मिस्टेक क्या होती है। तो सबसे पहले आपने जाना नीचे स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ से आपने कर्व सेलेक्ट नहीं करना, आपने सेलेक्ट करना है रेगुलर। सो अगर आप स्पीड रैम वाला वीडियो बना रहे हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कर्व वाला ऑप्शन, पर अगर आप एक स्मूथ सिनेमैटिक टीजर बना रहे हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर के अंदर जाके सिंपली आपने इसकी स्पीड को कर देना है 0.6 या फिर 0.7, और मुझे 0.7 सही लग रहा है। और 0.7 जैसे मैंने किया तो आप देख सकते हो कितना कमाल का मेरा स्लो मोशन बन गया। ये देखो कितना कमाल का हमारा स्लो मोशन बन चुका है, और इस वीडियो के अंदर कोई भी जर्क नहीं है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ओके, और मेरा स्लो मोशन हो चुका है। और स्लो मोशन की वजह से हमारी जो वीडियो होती है वो लेंथी हो जाती है, कि जिसकी वजह से हमें कंट्रोल मिल जाता है कि हम और अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ करो कि आपका सीन छोटा है, आपने छोटा सीन ले लिया है गलती से, तो उसको आप स्लो डाउन करके भी बढ़िया बना सकते हो, तो ये ट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको प्ले। तो यहाँ पे भी हमारी बीट चेंज हो रही है, ध्यान से सुनना, हेडफोन्स का यूज़ करना तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से लगाऊंगा कट ओके, और यहाँ से कर दूंगा इसको डिलीट, और ये वाला हिस्सा भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ये सीन मतलब कि म्यूज़िक हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं अपने सीन को चेंज कर दूंगा। तो सीन को चेंज करने के लिए अब यहाँ से जाता हूँ प्लस वाले साइन के ऊपर, और सिंपली फटाफट अपने सीन को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे मेरा दूसरा सीन इंपोर्ट हो चुका है VN की टाइमलाइन के ऊपर। तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ऐसे नहीं कि दो लाइटें ऑन कर दी और बोल के चला गया। आपको सब कुछ मैं डिटेल में प्रैक्टिकली समझाता हूँ, इसी बार भी लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट के ऊपर और इसको हम प्ले करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पहले वाले सीन को सेलेक्ट किया, उसको मैनेज किया, स्लो मोशन में कन्वर्ट किया, उसका अच्छा वाला पार्ट हमने रखा है, और जौन सा हमारा पार्ट वेस्ट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, और थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, यहाँ से मेरा सीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं लगाऊंगा एक कट। कट लगाने के लिए आपको नीचे जाना है स्प्लिट के ऊपर, यहाँ से आपको लगाना है कट, और ये वाला हिस्सा आपको कर देना है डिलीट। और उसके बाद सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने करना है वॉल्यूम को इसकी डाउन। सो इस सीन को भी हम स्लो मोशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैं नीचे जाऊँगा स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ से जाऊंगा रेगुलर के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा 0.7x, ठीक है, और यहाँ से करूंगा ओके। सो यहाँ पे एक बोनस टिप, बहुत सारे बंदों की वीडियोस के अंदर जर्क आता है स्लो मोशन क्रिएट करने के बाद भी, 60 FPS को यूज़ करने के बाद भी, तो वो मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जौन सा मेरे मतलब की वीडियो है ऑलरेडी काफ़ी सारा मैंने स्लो शूट किया हुआ है, मतलब कि ऐसे मैंने शूट किया हुआ है, तो अगर मैं इसको क्या करूंगा कि बहुत ज़्यादा स्लो कर दूंगा तो मेरी वीडियो के अंदर जर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा रेगुलर के अंदर और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा मैं 0.7x, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लो है। अगर मैं इसको ज़्यादा स्लो करता हूँ 0.5, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जर्की सा वीडियो लग रहा है, देखो जर्क सा लग रहा है, अजीब सा थोड़ा लग रहा है। अगर मैं इसको रखता हूँ 0.7 पे, तो अब ये स्मूथ लग रहा है, कि स्मूथली तरीके से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करूँगा मैं ओके यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा पार्ट हो गया कि हमने करेक्टली स्लो मोशन कैसे करना है अपनी 60 FPS वाली वीडियोस को, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से प्ले करता हूँ इसको।
अब यहाँ पे मैं अपने सीन को चेंज करूँगा, तो यार सीन थोड़े यहाँ वहाँ हो सकते हैं क्योंकि मैं दोबारा से एडिट कर रहा हूँ, तो वो मत समझना कि वो वाला टीज़र दोबारा बन जाएगा, पर उसके जैसा हल्का सा बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको मैं आइडिया दे सकूँ कैसे आपने सिनेमैटिक टीज़र बनाना है। क्योंकि मैं अगर पूरी पूरी वीडियो बनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, मुझे कई बार एक एक दिन भी लग जाता है वीडियो को बनाने में, तो इतनी जल्दी नहीं बनता। मैं आपको सिर्फ टेक्निक समझा रहा हूँ, टेक्निक को प्रॉपरली समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ से कट लगाता हूँ, कट लगाने के लिए स्प्लिट के अंदर आपने जाना है नीचे, यहाँ से आपने कट लगाना है, यहाँ से इसको करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे इस वीडियो को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वीडियो को और इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे लेफ्ट साइड के प्लस साइन के ऊपर, जो सा आपको दिख रहा है एरो दिख रहा है, और यहाँ पे जाके सिंपली मैं अपने नेक्स्ट सीन को लेके आता हूँ। सो भाई हमारा नेक्स्ट सीन भी आ चुका है वीएन की टाइमलाइन के ऊपर, तो सबसे पहले इसके ऑडियो को हम बंद करेंगे, जीरो करेंगे, और यहाँ से इसका अच्छा वाला पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आसपास बंदे हैं तो मुझे बंदों को नहीं लेना है, मुझे इसको दिखाना है, मॉन्यूमेंट को, किला जो भी कहते हैं इसको, मुझे अच्छे तरीके से दिखाना है, तो यहाँ से मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक कट, तो कट लगाने के लिए जाएंगे कैंची वाले सेक्शन के अंदर, और इसको हम यहाँ से वाले पहले वाले पार्ट को कर देंगे डिलीट, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करूँगा, स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जाऊँगा रेगुलर के अंदर, और यहाँ से चूज़ करूँगा 0.7, ठीक है, और यहाँ से करेंगे ओके। और एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, बीट के साथ सुनना, हेडफोन्स का यूज़ करके सुनना, और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे सीन्स कैसे मैच होते हैं म्यूज़िक के साथ। तो यहाँ से सिंपली करते हैं इसको प्ले, अब यहाँ पे अपने सीन को चेंज करूँगा, यहाँ पे जो उनकी वॉयलिन या स्ट्रिंग्स बज रही है ना, आई थिंक स्ट्रिंग्स या वॉयलिन है, तो टन 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 टन, ये ध्यान से सुनना, टन 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 ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप सुनना, अब यहाँ पे फिर से चेंज होगी, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे अपने सीन को मुझे चेंज करना है। अगर मैं अपने सीन को लेंथ ही ले जाऊँगा तो भाई मेरी कॉम्पोजिशन बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कट लगाऊंगा, तो कट लगाने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं एक वीडियो को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस साइन के अंदर, और यहाँ से फटाफट लेके आते हैं मैं सीन को। सो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सीन इंपोर्ट हो चुका है वीएन की टाइमलाइन के ऊपर, और यहाँ से मैं एक अच्छा वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से लगाएंगे कट, और पहला वाला हिस्सा हम कर देंगे डिलीट, और इस पार्ट को हम करेंगे, इसकी वॉल्यूम को करेंगे डाउन, ठीक है, जीरो कर देंगे। सो भाई मुझे अब करना है यहाँ पे स्लो फास्ट इफेक्ट ऐड, क्योंकि यहाँ पे मेरे बीट्स चेंज होने वाले हैं, मतलब कि अलग से होने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्लो फास्ट वाला इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर, और जाऊँगा रेगुलर के अंदर, यहाँ से मैं करूँगा 0.6, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ से मैं 0.5 भी कर सकता हूँ, ये देखिए, मतलब कि मुझे अपने क्लिप के अकॉर्डिंग अपनी स्लो मोशन की वैल्यू को रखना है। ऐसे नहीं कि जस्ट मैं एक वैल्यू को यूज़ करी जा रहा हूँ, आपने एक वीडियो देखी वही वीडियो आप मतलब अप्लाई करी जा रहे हो, उसके ट्रिक्स को ऐसे आपने नहीं करना है। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो मेरा स्लो मोशन में कन्वर्ट हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे अपना पार्ट फास्ट करना है, वहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडियो को हम बढ़ाते हैं, और यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले। अब यहाँ पे मुझे फास्ट, तो फास्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कट लगाऊंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एटलीस्ट इतना आते हैं, और यहाँ से लगाते हैं कट, और जाएंगे हम रेगुलर के अंदर, स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेगुलर, और यहाँ से फास्ट करेंगे अपनी स्पीड को, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कर दिया 3.4x कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से करेंगे ओके, और यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को, ठीक है, शुरू से। बन गया ना कमाल का इफेक्ट, मसालेदार। अब यहाँ पे हमारा स्लो फास्ट वाला इफेक्ट बन चुका है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सीन को और इंपोर्ट करूँगा, तो मुझे फिर से सुनना पड़ेगा, बार बार मुझे सुनना पड़ेगा कि मुझे भाई अपना सीन कहाँ पे लगाना है, कौन से बीट मेरी आ रही है, कहाँ पे वॉयलिन जा रही है, कहाँ पे लो पिच है, कहाँ पे हाई पिच है। दिल से अगर आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो तो भाई आपके लिए बहुत ही ये चीज़ आसान है, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। सो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं ना दूसरा सीन फटाफट। सो भाई हमारा नेक्स्ट सीन भी इंपोर्ट हो चुका है वीएन के ऊपर, सॉरी टाइमलाइन के ऊपर, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसका अच्छा वाला पार्ट, और यहाँ से चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, और यहाँ से लगाऊंगा सिंपली मैं कट, स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर जाके, और ये वाला हिस्सा मैं कर दूंगा डिलीट, और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऑडियो करूंगा म्यूट, तो उसके बाद मैं इसको करूंगा स्लो मोशन में कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं जाऊंगा स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जाऊंगा रेगुलर के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा 0.7,
ठीक है, और यहाँ से करूंगा ओके, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको प्ले हल्का सा। तो शुरू से मैं एक बार प्ले करता हूँ और आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी कैसे आपने इस टेक्निक को यूज करके अपनी वीडियोस के अंदर बूम करना है। तो यहाँ से करते हैं इसको प्ले। अब यहाँ पे वॉयलिन की एक मतलब कि ट्यून आ रही है टैं 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 ऐसे कुछ करके, ध्यान से सुना हेडफोन यूज करके, और वहाँ पे हमारा एक ऐसा ड्रामेटिक सीन होना चाहिए जो उसको और निखार दे, उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। सो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, तो कट लगाने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर, और भाई इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, ठीक है, और हम आएंगे यहाँ पे प्लस वाले साइन के ऊपर, और यहाँ से लेके आते हैं हम फटाफट अपना ड्रामेटिक सीन। सो दोस्तों मुझे इस सीन को भी अपने मैच करना पड़ेगा अपने म्यूजिक के साथ, ठीक है, तो मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो मतलब कि 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो भाई, पर उसको करना कैसे है, उसको बनाना कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती हैं, नहीं कोई बताता है। तो मेरा वही मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करके, चाहूँ मैं भी 2 मिनट में वीडियो बना दूँ, FPS ये रख लेना, ऐसे कलर ग्रेडिंग कर लेना, ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स कर लो, ठीक है भाई कर लेंगे, पर उसको ऐड कैसे करना है ये तो भाई बताना पड़ेगा ना, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक बार बीट को सुनते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ऐसे सीन आए हमारा, ठीक है, तो हम करते हैं इसको यहाँ से करते हैं, एटलीस्ट यहाँ से लगाते हैं कट, और यहाँ से करते हैं डिलीट, ठीक है, और यहाँ से करते हैं इसको प्ले। सो यहाँ से मैं लगाऊंगा इसको प्ले करूंगा और यहाँ से लगाऊंगा कट, ठीक है, और स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और यहाँ से कर दूंगा डिलीट, ठीक है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सारे के सारे मैं पार्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा प्लस वाले साइन के अंदर और यहाँ से करते हैं फटाफट अपने सीन को इंपोर्ट। सो गाइज मेरा नेक्स्ट सीन इंपोर्ट हो चुका है VN ऐप की टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है, और ये सीन मैंने ना पैनिंग शॉट लिया था, मतलब कि ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से मैंने शॉट लिया था। उस व्लॉग को देख के आना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसका ऑडियो म्यूट करेंगे, तो यहाँ से मैं अपना सीन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कुछ यहाँ से, और यहाँ से लगाऊंगा कट और इसको कर दूंगा मैं डिलीट यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक है हमारा सीन, और यहाँ से करते हैं इसको कट लगाते हैं और यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। तो सबसे पहले भाई इस सीन को हम स्टार्ट करेंगे स्लो मोशन के साथ, तो यहाँ से करता हूँ इसको प्ले। सो भाई इस चीज़ को रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, ऑडियो को ध्यान से सुनना, एक बहुत ही कमाल की टिप देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से प्ले करता हूँ अपने ऑडियो को। अभी यहाँ पे ट्यून कैसी आई, टन 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 टन, मतलब कि ऐसे हमारा लेवल जा रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर मेरा यहाँ पे सीन स्लो मोशन में ही रहेगा तो वो मैच नहीं करेगा मेरी वीडियोस के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ से लगाऊंगा कट और स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, यहाँ से लग जाएगा मेरा कट, और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो इफेक्ट है वो फास्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ से लगाऊंगा कट और इसके ऊपर जाऊंगा, ठीक है, जोन से ऊपर आपने इफेक्ट को लगाना है, जोन से वीडियो के ऊपर, और यहाँ से आपने चूज करना है स्पीड वाला ऑप्शन, और आपने जाना है रेगुलर के अंदर, और यहाँ से आपने स्पीड को कर देना है तेज और 4.0x, ठीक है, और यहाँ से करते हैं डन, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक, ठीक है, और यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले। तो कुछ इस तरीके से भाई आपका इफ़ेक्ट बन जाता है। तो यही सारी की सारी टेक्निक है, कैसे स्लो करना है, कैसे फास्ट करना है, कैसे बीट के साथ मैच करना है, यही सारा खेल होता है, और कोई भी ऐसा कोई बड़ी मैच चीज़ नहीं यहाँ पे कर रहा कि जो कोई नहीं कर सकता। आप लोग मुझसे भी अच्छी वीडियोस बना सकते हो और मुझे भी आप टिप्स दे सकते हो, ठीक है, जिसके पास टिप्स होंगे भाई मुझसे भी शेयर करना, क्या पता मुझे कुछ नई चीज़ पता लग जाए आपसे। तो ये काफ़ी कमाल की टेक्निक है, ये बहुत सारे बंदे मिस करते हैं। वो डायरेक्टली अपना फ़ोन लिया, ठीक है, बाहर गए, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी, पर मोस्टली बंदों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जहाँ पे लिखा गया होगा कि ये सिनेमैटिक स्मार्टफोन है और हम सिनेमैटिक बटन दबाएंगे और हम ऐसे खड़े रहेंगे, हमारी वीडियो सिनेमैटिक बन जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तो भाई ये हमारी टेक्निक होती है। अब मैं सारे के सारे सीन्स को जोड़ता हूँ और यही टेक्निक के साथ हम चलेंगे, ठीक है, और आपको सारा का सारा ग्राफ मैं प्ले करके दिखाता हूँ
कि कैसे हम एक अच्छा सिनेमैटिक टीजर बना सकते हैं जस्ट अपना फोन यूज करके और फोन से शूट करके। सो भाई काफी कमाल का हमारा टीजर बनके रेडी हो चुका है और टाइमलाइन आप देख सकते हो कितनी कमाल की हमारी टाइमलाइन बन चुकी है। तो कुछ इस तरीके से भाई आपने एडिटिंग करनी। सो बीच में मैंने एक हल्का फुल्का सा टाइमलेस वाला मतलब कि हाइपरलैप्स वाला एक सीन सा डाल दिया जहां पे मेरी बीट फास्ट हो रही है, वो आपको पता लग जाएगा अभी जब मैं प्ले करूंगा वीडियो को। और मुझे ऐसे अब मैसेज आने चाहिए कि भाई आपकी मैंने वीडियो देखी थी और मैंने आपकी वीडियो देख के 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, या फिर मैं कोई कमर्शियल वर्क कर रहा हूँ, मैं सिनेमाटोग्राफर बन गया और मैं अच्छे से अर्न कर रहा हूँ। सो अगर मैं ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को डाली जा रहा हूँ और आप वहाँ से कुछ सीखोगे नहीं, कुछ नई मतलब कि अचीव करोगे, तो भाई नुकसान तो मेरा ही होगा क्योंकि आप लोग सारे लोग मेरे बंदे हो और हम सभी को साथ में मिलकर चलना है। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग अपनी कभी मत छोड़ना। सो कुछ कमेंट्स ऐसे भी मेरे पास आ जाते हैं कभी कभी कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई यहाँ पे मज़ा नहीं मिलेगा चैनल के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर लर्निंग मिलेगी कि आपको अपने स्किल्स कैसे डिवेलप करने हैं। यही मेरा मोटिव है कि मुझे हर बंदे को बेस्ट बनाना है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी अच्छा वो कंटेंट क्रिएटर बने और मुझसे भी अच्छा वो ग्रो करे और मैं भी कुछ उनसे सीख पाऊँ, मुझे ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे मज़ा वाला कोई बात नहीं है कि यहाँ पे मज़ा मिलेगा, वो कुछ और चीज़ें आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।